गौ माता का कोई सेवक अगर उनकी सेवा कर लेता है, बड़े भाव के साथ उन्हें सहला लेता है, तो जो अपना मन भगवान में 50% लगाने से क्रोध कम होता है, वो गौ माता को मात्र सहलाने मात्र से कम हो जाता है। गौ माता को अपनी आंखों से दृष्टि करके निहारने से कुछ ही दिनों में आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपका चित्त यदि भगवत भक्ति में नहीं लगा लगने लगेगा, एक सकारात्मकता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि गाय का ऑरा सबसे ज्यादा है। गाय के अंदर एक और क्षमता है, उसका दुग्ध इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा मारा जीव है जिसका सब कुछ पवित्र है, उसका जीवन पवित्र, उसका गोबर पवित्र, उसका घी पवित्र, उसका मूत्र पवित्र, हर चीज तो पवित्र है। अगर गाय माता के इन सब चीजों पर शोध किया जाए तो दुनिया में जितनी बीमारी है ना सबका निजात है, सबका निजात है। गौ मूत्र को हम जब हरिद्वार में गए थे तो एक महात्मा जी के कान का पर्दा फट गया था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला था, हमारी आंखों की बात है, 2010 में हरिद्वार का कुंभ लगा था तब की, तो उनके जो बड़े महंत जी थे उन्होंने गाय का जो मूत्र था गौमूत्र उसको लेकर के, मतलब जैसे ही गाय ने गौमूत्र किया वो अपने वहीं पर ही बांध कर रखते थे, वो सेवन करते थे क्योंकि वो गौ माता का दूध ही पीते थे, अन्न नहीं खाते थे, तो उन्होंने वही जैसे गौ माता ने गौमूत्र किया उन्होंने वहीं से ही ले लिया और उसको छाना 3-4 कपड़े में, उसको छानने के बाद एक सीसी में भर दिया और उससे कहा सुबह सुबह तुम इसको कान में डालना। हमारी आंखों देखी बात है कि 10 दिन के अंदर उनका जो कान का दर्द था, मवाद पड़ रही थी, बहुत परेशानी थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। चर्म रोग का भी हमने देखा, हमारी लालसोट में कथा थी, हमने किसी एक दिव्य महात्मा के मुख से ऐसा सुना कि गाय के गोबर को गौमूत्र में मिलाकर के लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है, गोबर को गौमूत्र मिलाकर के और धूप में, सूर्योदय के जैसे निकले उस धूप में जो हल्की हल्की होती है, उस धूप में थोड़ी देर बैठ जाए आधे घंटे के लिए, उसके बाद धो ले, ऐसा वो महीने भर कर ले तो उसका कैसा भी चर्म रोग हो ठीक हो जाता है। तो हमें तो ऐसा था कि क्या पता महात्मा जी ने ऐसे बोल दिया, अचानक से हम गए लालसोट मंडावरी कथा करने के लिए, हमारे ये लोग गए भी होंगे हमारी कथा में, तो वहां पर ही एक माता जी आई, जो उनके पुत्र थे वो हमारे शिष्य बने थे, तो उनकी माता जी को सारे अंग पर महाराज चर्म रोग था, मतलब ऐसा कोई अंग नहीं था जिसमें उनके होता है ना कि बड़े बड़े फुंसी टाइप के, ऐसा कुछ था। और वो बता रही थी वो साल भर से डॉक्टरों का दवाई काम नहीं कर रहा है, वो कहते हैं ब्लड खराब हो गया तुम्हारा। तो हमें वो महात्मा जी की बात याद आ गई, हमने कहा इन पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, प्रभु की कृपा, इसमें कोई अलग उसका अनर्थ भी नहीं है, क्योंकि गौ माता का वो गोबर और गौमूत्र कुछ इनका गलत कुछ करने वाला नहीं, हमने कहा ये लगा लो और हमको एक महीने तक बताओ। तो वो भी पक्की थी नियम की, उन्होंने लगाया तो एक महीने में तो नहीं पर 1.5 से 2 महीने में उनके वो दाने कम होने लग गए, और उन्होंने फिर उसे चालू रखा तो 3 से 4 महीने के अंदर जो उनके दो तीन साल पुरानी वो एक ऐसी बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो ये माँ का चमत्कार है, मैं तो ये कहती हूँ शोध करना चाहिए इस पर कि गौ माता हमारे लिए कितना उपयोगी, केवल खेती में ही नहीं, दुग्ध के लिए ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य व समस्याओं के लिए भी उपयोगी है। अरे गौ माता के लिए के अंदर ऐसी शक्ति है, जब कोई सेवक उसे प्रेम करता है सहलाता है तो वो अनायास ही अपने उस सेवक को चाटती है, प्रेम करती है, तो सेवक के अंदर जो बीमारी होने वाली है या उसे बीमारी है उसको पता चल जाता है गौ माता को। और जब वो चरने जाएगी ना महाराज तो जंगलों में जाकर सुंदर सुंदर जड़ी बूटी खाती है, वही जो उस इलाज को ठीक, उस रोग को ठीक कर सकती है, ये गौ माता के अंदर शक्ति है, और वही तत्व उसके दुग्ध में होता है और सेवक दुग्ध पिएगा उससे उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। गौ माता के अंदर ऐसी क्षमता है महाराज जिसके यहाँ बंदी हुई है, उस धनी के जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली है तो स्वतः अपने ऊपर ले लेती है महाराज, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अकल्याण होने वाला है सबसे पहले आप उसकी आंखों में अश्रु देखेंगे, वो आपको रोती हुई नजर आएगी। ऐसा कारुणिक जीव, भगवत स्वरूप जिसको कहा गया, उसे ऋषियों ने ऐसे ही गौ माता नहीं कह दिया,
उसे ऐसे ही वो साक्षात माँ है, उसके अंदर ममत्व वात्सल्यता की क्षमता है, सबका कल्याण करने की क्षमता है। इसलिए शास्त्रों ने मुखर होकर उनका गुणगान गाया।